सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी ही राजस्थान कांग्रेस के कामकाज पर सवाल उठाए और इसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चाएं काफी जोरों पर है। सचिन पायलट ने साफ साफ कहा है कि नागौर में दलित युवकों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके खिलाफ देरी से कार्रवाई होना गलत है और गृह विभाग को उसके बारे में चिंतन करने की जरूरत है। ऐसा कहकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ एक बार फिर से आवाज बुलंद कर ली है, क्योंकि राजस्थान सरकार में गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री गहलोत ही देख रहे हैं। इस हादसे पर पायलट को गहलोत के खिलाफ जाने के लिए हिम्मत और कहीं से नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी से मिली है, जिन्होंने इस हादसे के बाद राजस्थान सरकार को इस पर कड़े कार्रवाई करने के निर्देश खुद ट्विटर पर दिए थे। दरअसल सचिन पायलट के बयान और राहुल गांधी के निर्देश दोनों ही अशोक गहलोत पर निशाना है, क्योंकि गृहमंत्री रहते हुए ये मुख्यमंत्री गहलोत के लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाने के फेलियर को सार्वजनिक करने के लिए किए गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब सचिन पायलट ने खुल के अशोक गहलोत के खिलाफ बोले हों या फिर उप मुख्यमंत्री होते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ गए हों। इससे पहले भी कई मसलों पर सचिन पायलट ऐसा कर चुके हैं। कुछ वक्त पहले जब निकाय चुनावों के लिए परिसीमन और महापौर सीधे चुनने के नियम को बदलकर पार्षदों के जरिए चुनने के नियम को लागू किया गया था तो भी सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ गए थे। कई राजनीतिक गलियारों में इसे ऐसे भी देखा जा रहा है कि ये गहलोत को बार बार पार्टी आलाकमान के सामने नीचा दिखाने की कोशिश के तहत किया जा रहा है। खैर कुछ भी हो, लेकिन एक ही पार्टी के दो बड़े नेता जब इस किस्म की तूतू मैमे पर उतर जाते हैं तो विपक्ष को गहलोत को फेल गृहमंत्री साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आपका बिजनेस आपके मन मुताबिक मुनाफा नहीं दे रहा? क्या आपका बिजनेस लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा? तो आपको चाहिए अपने बिजनेस के लिए एक शानदार वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देगा आपको आपके बिजनेस के लिए शानदार वीडियो एडवर्टाइजमेंट, वो भी बेहद किफायती दामों पर। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672 और विजिट करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस.com।